सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पश्चिमी चंपारण के यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ा झटका दिया है। NSA लगाने के खिलाफ यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा उस पर NSA भी लगाया गया है। इसके खिलाफ मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि मनीष कश्यप पर आरोप है कि उसने तमिलनाडु में रहने वाले बिहार के मजदूरों के खिलाफ कथित हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिससे बिहार सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। यहां तक कि बिहार पुलिस की एक टीम जांच के लिए तमिलनाडु रवाना भी की गई थी, जिसकी जांच में मामला फर्जी निकला था। उसके बाद मनीष कश्यप के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। वारंट जारी होने के बाद मनीष कश्यप दिल्ली भाग गया था। उसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कुकरी वारंट निकाल दिया। तब जाकर मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण के जगदीशपुर थाने में सरेंडर किया था। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने CGI DVI चंद्रचूड़ की बेंच से सोमवार को यूट्यूबर मनीष कश्यप की जमानत और उसके खिलाफ NSA लगाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष कश्यप इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा सभी केस को एक जगह क्लब करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस तरह मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण के जगदीशपुर OP थाने में सरेंडर किया था और इसके बाद बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पूछताछ के लिए मनीष कश्यप को रिमांड पर लिया था। दरअसल आर्थिक अपराध शाखा का रिमांड खत्म होने पर तमिलनाडु पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर चेन्नई गई। 4 मई को मदुरे की स्थानीय अदालत में मनीष कश्यप को 7 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उसके बाद से मनीष कश्यप मदुरे की सेंट्रल जेल में कैद हैं।